आप गाने नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बात बॉलीवुड में बहुत लिमिटेड लोगों को ही गाने देता हूँ, और क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक करता हूँ ज़्यादातर। मैं बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और राइटर्स के लिए भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड, मेरी गानों को लेकर बहुत लिमिटेड चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत लिमिटेड, बहुत अच्छा काम करना। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपको वीडियो में लेना है, मैं तो किसी को भी नहीं कहता भाई। ब्लू आइज़ वायरल होते जा रहे हैं, हर जगह पे वायरल हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया न्यूयॉर्क में? भाई मुझे टाइम नहीं लगा, जो न्यूयॉर्क में आपने सवाल पहले भी पूछा था, आप बड़े नाराज लग रहे हो। मैं एक मिनट सवाल, न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इन जर्नल न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ पे जिस दिन ब्लू आइज लॉन्च हुआ तो इन जर्नल वहाँ पे सारा मीडिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त मिला ही। मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोगों को आप अपने आप ही प्रमोट कर देते हो मुझे सब कुछ। लेकिन पाजी ऐसा भी होता है कि ये आपके लिए खड़ी रहती है हमेशा, लेकिन आपको शायद नहीं, भाई, नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोगों के कैमरे हिल जाएंगे, तो फिर मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी खड़ा करूँगा भाई, वो भागा थोड़ी में निकल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद जान बुझ के नहीं करूँगा, यही होता है। यहाँ पर तो शुक्र करो ये लॉन्च थी, तो यहाँ पर आराम से आज बातचीत हो पा रही है। कॉन्सर्ट में तो आपको पता ही, आप कितनी बार आए हैं कॉन्सर्ट में, तो मेरे को खुद नहीं पता था, मैं कुछ पहन के आता हूँ और फॉक्स कहाँ क्या छूट जाता, कभी घड़ी छूट जाती है, कभी कुछ छूट जाता है। मैं अभी सीधा फ्लाइट से आया हूँ भाई, जितना टाइम लगा। अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है, आई थिंक किसी कॉलेज में आया। मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे कॉलेज में करी हैं, तो जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ लोग ऑनर कर देते हैं, लेकिन स्पेशली एक जो किताब थी सेलिब्रिटीज के ऊपर, और एज अ यूथ आइकॉन जो ये सब समझते हैं और इतनी अच्छी बातें समझते हैं, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था। जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल में सबके इंग्लिश गाने हटा करके देसी गाने आप बजवाएंगे, वैसे एक चीज आपको और भी बोलनी चाहिए शायद, कि जिस तरह से कहते हैं टीचर्स के इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो।